नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ एक विला की डिज़ाइन दिखाता हूँ। जैसा कि आप कंपाउंड वॉल देख रहे हैं और ये मेरा फ्रेंड का ही है, तो चलिए अंदर जाके भी बताता हूँ कि एक विला होता है वहाँ पे क्या क्या सुविधा होती है, उसमें रूम कैसे होते हैं। आइडिया तो लेते हैं इस वीडियो में कि अगर विला में कितने लोग आ सकते हैं। इसका नाम विजय विला है, इसके आपको दिख रहा है ये, और ये उदयपुर में है। जैसे इंटर होते हैं तो राइट साइड में ये गार्डन है। कुछ भी शादी का फंक्शन, बहुत सारे यहाँ पे आते हैं गुजरात से लोग, रुकते हैं और बिल्कुल ही एकांत में है। तो ये देख लीजिए, इसमें अंदर चलते हैं और उधर स्विमिंग पूल भी है, मैं बताऊंगा आपको। ये रूम की डिजाइन है और ये सीढ़ियाँ हो गई। और एक तरफ पूजा रूम आ गया। एक जैसे जाते हैं तो एक रूम आता है, रूम की डिजाइन भी देख लेते हैं कि रूम, ये रूम की डिजाइन है और सामने ये एलईडी लगी हुई है। ये पर्दे हैं, ये स्लाइडिंग वार्डरोब से लॉक लगा हुआ है। तो इसका बाथरूम में देखते हैं क्या डिजाइन कर रखी है। मैं आपको डिजाइन इससे भी आइडिया ले सकते हैं कि ये फ्लोरिंग में ये 1x1 की टाइल लगी हुई है और नीचे ये सेम, और हाइलाइटर ये ग्लास हो गया काउंटर। अब मैं मिलता हूँ मेरे एक दोस्त से जो कि होटल चलते हैं। एक रूम और ये देख लेते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है सर? बसंत। और क्या चार्ज है ये विला का? 3000 रुपये पर रूम है, डबल ऑक्यूपेंसी सिटी प्लान का। 3000 रुपये? 3000। जैसे ये रूम देख रहे हैं ये, इसका ये 3000 रुपये रहता है। 3000 रुपये, हाँ, विद ब्रेकफास्ट रहता है, डबल ऑक्यूपेंसी का। हाँ, और ये पूरा गार्डन बुक करो तो क्या रहता है? जनरली शादियों के लिए रहता है, सूटेबल है। हाँ, आउट स्कर्ट भी है। हाँ, और म्यूजिक का भी रात को थोड़ा लेट नाइट में होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, और पूरा विला हमारा जाता है ये 30,000, 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में टाइम पीरियड क्या रहता है? डिपेंड ऑन प्रोग्राम रहता है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जैसे 12 घंटे है, 24 घंटे है? नहीं, वो मैरिज फंक्शंस में और ओकेजन्स में अलग अलग रहता है सबका, और सीजन पीरियड भी रहता है तो अलग ही रहता है सब। एक ये रूम है, जैसे ये रूम देख रहे हैं। हाँ, ये 3000 है? हाँ, ये 3000। कितने ये रूम है इस विला में? इस विला में हमारे 5 रूम है। अगर सभी रूम इसी पे पैटर्न पे तैयार किए हमने। हाँ, सभी रूम 3-बेडेड है, और एक्स्ट्रा अगर चाहें तो 2 बंदे और रुक सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा और रुक सकते हैं, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी रहेगी सर? बाकी सारी फैसिलिटी, पूल है अपना, गार्डन है, गार्डन रेस्टोरेंट है, बच्चे हैं तो गेम्स खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं। हाँ, यहाँ से दिख जाएगा स्विमिंग पूल? हाँ, पूल दिख जाएगा ये।
ये स्विमिंग पूल है। हाँ ये स्विमिंग पूल है। खाली ये अगर होटल ही बुक करे, ये 7 कमरों है। हाँ हाँ, तो इसका क्या चार्ज रहता है? ये अपना हो जाएगा ना, ये 20,000 के अप्रोक्स मान के चलिए। 20,000 में? हाँ। कोई इसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, ये तो अप एंड डाउन चलता रहता है। अच्छा, तो कुछ बुक करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट है? हाँ बिल्कुल है ना, बताइए। www.vijayvilla.com। अच्छा, तो इसका एड्रेस भी बता दीजिए आप। डाकन कोटड़ा, जयसमंद रोड, जयसमंद रोड, नियर टोल प्लाजा, टोल प्लाजा, उदयपुर, उदयपुर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आपको ये पूरा विले का डिजाइन बता दिया है, और ये मेरा फ्रेंड का ही है। तो आप कभी भी अगर उदयपुर में आओ, तो अगर आपके पास फैमिली है और बहुत लोग हैं तो यहाँ रह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लीजिए, पूरा एकांत में ही है पूरा।